हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ सुरेखा। वीडियो में हम सेमी सर्कुलर विधि द्वारा एक षष्ठभुज यानी हेक्सागन का निर्माण करेंगे, जिसकी प्रत्येक भुजा 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर की होगी। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कैसे हम सेमी सर्कुलर मेथड का इस्तेमाल कर एक हेक्सागन का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो हमारा हेक्सागन है, इसकी भुजा है 40 mm। तो पहले सबसे पहले एक 40 mm की रेखा खींचेंगे हम, सीधी रेखा। तो ये एक 40 mm की रेखा हमने खींच ली, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी। अब इस 40 mm की रेखा पर हमें एक अर्धव्यास यानी सेमी सर्कुलर का निर्माण करना है। तो हम सेमी सर्कुलर खींच लेते हैं इस लाइन पर। तो देखिए, इस तरह हमने एक सेमी सर्कुलर ड्रॉ किया इस ए बी लाइन पर। ठीक है, अब इस ए बी रेखा को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। आगे की ओर बढ़ाकर इस सेमी सर्कुलर को हम यानी अर्धव्यास को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने जब इस रेखा को आगे बढ़ाया तो ये ऐसा बना, इसे हम नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट को पी पॉइंट नाम दे देते हैं। हमारा एक अर्धव्यास यानी सेमी सर्कुलर बन गया है। तो अब इस पे हमें हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज बनाने के लिए इस सेमी सर्कुलर को 6 भागों में डिवाइड करना होगा यानी विभक्त। तो हम जैसे देख रहे हैं, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। तो 180 डिग्री एंगल को 6 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री का डिवाइड होगा। तो 30 डिग्री के एंगल में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा 60 डिग्री एंगल इस 60 डिग्री एंगल को डिवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। अब इसी के हिसाब से हम इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर देंगे। आप लोग यानी चांद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे 6 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक दो तीन चार पांच और एक के 6 भाग में ये हमारा जो अर्धव्यास है
ये कंप्लीट हो गया। तो अब इस पे हम इन सबको पॉइंट वाइज मार्किंग कर देते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए 6 भाग में डिवाइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सब आपस में 6 भाग में विभाजित हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें हेक्सागन बनाने के लिए, ये U से A पॉइंट को आपस में मिलाना है, ठीक है, ध्यान से इसे मिलाइएगा। ये हमें हमारे षष्ठभुज यानी हेक्सागन के 2 भुजा प्राप्त हो गए, ये और एक ये। अब नेक्स्ट जो है वो ध्यान से देखिए और समझिए। अब हम इस एवी कैसे करते हैं यानी संधिभाजित करते हैं, तो मैंने ऐसा पहले बताया था, संधिभाजित करने के लिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेकर दोनों तरफ कट लगाएंगे। ये हमने इसे संधिभाजित कर दिया, इसे आपस में मिला देते हैं। कुछ इस तरह से ये दोनों रेखा आपस में मिल गई। इसके बाद ये जो नंबर 2 पॉइंट है जो ए से आके मिल रहा है, इसे भी हम संधिभाजित करते हैं, इस रेखा को भी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये संधिभाजित हुई। अब इसको भी हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये लाइन है 2A और AB लाइन को जब हमने बाइसेक्ट किया तो ये दो इस पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं O पॉइंट। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट भी है और यहाँ पे ठीक इसके सामने हमारा O पॉइंट भी है। अब इस O पॉइंट पर प्रोटेक्टर को रखकर AB के बराबर नाप के अच्छे से यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान से कीजिएगा। अगर समझ ना आए तो वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब और कुछ नहीं, अब सब कुछ क्लियर है। AB के बराबर चाप खोलकर कंपास से नाप कर अब इस वृत्त पर हमें कट लगाना है। ठीक है, तो देखिए षष्ठभुज हमारा निर्माण हो गया। अब इन रेखाओं को आपस में मिला देना है।
तो देखिए किस प्रकार हमने एक षष्ठभुज की रचना की। इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट हमने दिया था। इस प्रकार हमने एक सेमी सर्कुलर मेथड द्वारा एक षष्ठभुज की रचना की। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 भुजा षष्ठभुज यानी कि हेक्सागॉन। षष्ठ भुज, क्लियर। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस वीडियो को। आप सभी घर पर ही रहकर प्रैक्टिस करें और हमारे साथ पढ़ते रहिए। हम और भी आगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।